मॉर्निंग का टाइम भी है, ये सभी यात्री जो है माता के दर्शन कर करके वापसी आ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं उमरकोट में, जिसका पुराना नाम अमरकोट था। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस शहर के लोगों, काली माता के मंदिर, अमरकोट किला और इस किले का म्यूजियम दिखाएंगे, जिसमें राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, भगवान कृष्ण और बाबूजी की सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां, पाकिस्तान के अलग अलग कल्चर के लिबास, मुगल फौज के हथियार और बादशाह अकबर के लिखे हुए फरमान दिखाएंगे। शहर के बारे में बात की जाए तो ये पाकिस्तान के सिंध का एक शहर है। यहाँ पे कुछ लोकल लोग जो अपनी सब्जियां फ्रूट बेच रहे हैं, और इस साइड पे जाएंगे सीधे ही, इस साइड पे मंदिर है सीधे। अच्छा, सीधे लास्ट में काली माता का मंदिर जो है, वो मार्केट खत्म होते होगी, तो अभी चलते हैं और आप लोगों को माता का मंदिर विजिट कर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जी जय राम, जय राम। पंजाब से, पंजाब से, जी जी, जय माता दी, जय माता दी। प्यारा सिटी है उमर। ये चाय वाय, समोसा, मसाले वाली मिर्च, ये सिंध की तो फेमस है, वापसी पे खाएंगे इसको। तो ये देख सकते जगदीश पुराली राजपूत। तो इस साइड पे चलते हैं, इस साइड पे मंदिर है भैया, इस साइड पे मंदिर है, सीधा सीधा। तो इस साइड पे चलते हैं। जा रहे भैया? जी जी जी, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारे साथ आए थे वो पहले मंदिर का दर्शन करके वापस जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट है तो अभी जाएंगे। ये पाकिस्तान का 68th नंबर पर बड़ा शहर है। इस शहर की लोकल जबान ढाटकी है, जो हिंदू आर्याई खानदान की राजस्थानी जबानों में से एक है। इसका सबसे गहरा ताल्लुक मारवाड़ी जबान से है। सिंधी और पंजाबी भी शहरी समझते हैं। उमरकोट में चूड़ियाँ बहुत सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं यार। इधर की चूड़ियाँ पूरी दुनिया में फेमस है उमरकोट की। तो वो चूड़ियों वाले बाज़ार में तो हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें लेट हो रहा है। हम अभी मंदिर विजिट करेंगे और आप लोगों को ये शाही बाज़ार जो है वो भी विजिट कराएंगे, और साथ साथ कुछ और जो किला है वो भी दिखा दें। सिटी में काफ़ी शांति है, और अच्छा भी लग रहा है कि जिस सिटी में ज़्यादा शोर नहीं होता वो अच्छा होता है, मतलब वीडियो बनाने के लिए तो अच्छा ही होता है। इसमें थोड़ा सा शोर कम है तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना जिस गली में भी हम जाते हैं कान हमारे बिल्कुल सुन हो जाते हैं, वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ती है। इस बार हमें फिर भी थोड़ा सा अच्छे से बात, स्लो बात कर रहे हैं, फिर भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी, उम्मीद है कि हो जाएगी। अभी मॉर्निंग का टाइम भी है, ये सभी यात्री जो है माता के दर्शन कर करके वापसी आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है मंदिर, मंदिर में हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो अभी माता के दर्शन आप लोगों को कराते हैं और हम लोग भी माता के दर्शन करते हैं। तो ये देख सकते हो कुछ यात्री आ रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, हम इधर से आप लोगों को विजिट कराएंगे। ये देख सकते हो, ये हवन की जगह है जहाँ पे हवन होता है। ये देख सकते हो, इसमें कबूतर देखो फ्रेंड्स, ये कबूतर, और ये कबूतरों के लिए दाना है। जय माता, जय शंकर। अब हम आप लोगों को माता के दर्शन कराते हैं। तो इधर से ये साईं बाबा, गणेश जी, और ये हमारे कुछ धार्मिक पुस्तक जो के जैसे कि भगवत गीता, पुराण और देवी आराधना, ये सभी जितने भी हमारे गीता ज्ञान सब कुछ, ये हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जो कि सिंधी में हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, तो यहाँ उमरकोट का सबसे ऐतिहासिक शिव मंदिर है, उसके दर्शन करने जाएंगे। तो हमारे साथ है रंगीला भाई,
तो भाई आप मेरी भी दिल की ख्वाहिश थी जब मैंने आपका पहले वीडियो देखा था जी, आप उमरकोट वाली साइड पे गए हुए थे जी, पे तो हम आए थे, हम भी 6 महीने पहले तो अभी हमने इंग्लैंड के लिए 3 बसें करवाई थी जो मैंने और विक्रम देवपाल और गोमंत राम ने भाई ने करवाई थी जी, तो हमने यही सोचा कि इस साइड पे भी हम विजिट कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कोई भी संगत आना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम हमसे जरूर रब्ता करें। तो भाई वाले यात्री बसेस लेके आते रहते हैं, तो आप लोग अगर कभी भी आना चाहे हिंगलाज माता मंदिर पे, नेक्स्ट साल, इस साल तो हो गया है, अब 28 को मिला है, लेकिन अगले साल के लिए भाई से रब्ता कर सकते हैं। इनका चैनल भी है जी, तो ये कुछ मार्केट है, हाँ, रंगीला मेहमान टीवी इनका यूट्यूब चैनल है, और उधर इंस्टाग्राम या कोई भी माध्यम आप लोगों को मिल जाएगा रब्ता करने का। तो अभी ये शाही बाजार, ये शाही बाजार, हाँ शाही बाजार है ना जी, शाही बाजार, पैसा पैसा, ये सारा पैसा लगा हुआ है, पैसे के हार। ये जब शादी ब्याह होती है तो दूल्हे गले में डालते हैं ये पैसा। मामा, चेट करो यार। भाई ऐसी एरोसोल की जूती मिल जाएगी? नहीं नहीं, तो जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ पे मिलेगी, वहीं पे चलेंगे। ये भी हिंदू शॉप्स है, ये भी हिंदू शॉप्स है, ये देख सकते हो, हाँ ये ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पे मतलब शादियों के लिए सामान जो वो ज्यादा मिलता है, देख सकते हो, ये पैसा ही पैसा है, सारा पैसा गले में डाल के दूल्हा शादी पे जाता है। जिसको चाहिए आके लेके जाए। पाकिस्तान में जब भी हिंदू भाइयों की या किसी कोई भी शादी होती है तो गले में पैसे की माला डाली होती है, तब दूल्हा जाता है, हार बोलते हैं इसको, हार। ये जी मेरा नाम अशोक, अशोक आप यहाँ पे काम करते हो? इधर ही रहते भी इधर ही हो? नहीं, पास साइड एरियाज में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शहर में काम करते हैं। ठीक है, ये कपड़े की शॉप है, कपड़ा अच्छा खासा बिक जाता है ना? कौन से डिजाइन बेचते हो आप भाई? लगे पड़े सारे, ये सारे देख सकते हो, यहाँ पे लोकल लोग जो पहनते हैं सिंधी डिजाइन, वो सारे सिंधी सभी यहाँ पे। सिंधी लोग बोलते हैं या दूसरी लैंग्वेज? सिंधी बोलते हैं। सिंधी, सिंधी और उर्दू, सराइकी, सराइकी नहीं, सिंधी और मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी है। हमारे लोग कितने परसेंट है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत है, इधर 70-80% बहुत है। इस सिटी में कितने मंदिर है? इस सिटी में 8-10 मंदिर है, 8-10 मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है। ये आपकी अपनी शॉप है? नहीं, मैं इधर मुलाजिम काम करता हूँ। काम करता हूँ जी हाँ। ठीक, महीने का? जी हाँ जी। कितना पैसा मिलता है? 13-14 हज़ार मिल जाता है। 13-14 हज़ार रुपया महीने का मिलता है जी हाँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मजदूर लेबर कम्युनिटी के काम करते हैं उनको दिहाड़ी कितना मिलती है इस सिटी के इस एरियाज में? 700-600-700 रुपया। ठीक है, बहुत अच्छा यार भाई, शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये थे भाई उमरकोट के, आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा इनसे बात करके, और बाकी देखो यार पैसा ही पैसा है, सारा पैसा ही पैसा। तो फ्रेंड्स मुझे मेरा वाला ट्रैवल बैग जो वो घर पे रह गया, तो मैं सोच रहा इधर से मिल जाए, तो भाई ने बोला कि आगे मेहरान बैग वाली शॉप है जिसका नाम है मेहरान बैग शॉप, तो उससे मिलेगा, तो अभी हम उस पे जा रहे हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर मेरे को ना पावर बैंक वगैरह जेब में डालना पड़ रहा है जिससे वजन हो जाता है ज़्यादा। बाकी ये इसका व्यू है, देख सकते हो ऊपर छांव बना रखी है ताकि गर्मी धूप ना लगे कस्टमर को और खुद को भी। मेहरान, मेहरान बैग शॉप, मेहरान, मेहरान बैग शॉप, नहीं नहीं मेहरान जनरल स्टोर। अच्छा, मेहरान शाह वाली दुकान आगे है अपनी, आगे आपकी ही है? ऐसी जूती मिलेगी एरोसोल की? यहाँ पे ज्यादातर सिंधी लोग रहते हैं तो वो सिंधी लिबास पहनते हैं, तो यहाँ पे सिंधी लिबास ही मिलेगा। ये पानी फ्री 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 पानी, ठंडा मीठा पानी। जय माता दी, जय माता दी। जी भाई आपका नाम? सचिन, हरीश कुमार, हरीश कुमार, हरीश कुमार। तो फ्रेंड्स ये पानी की सेवा कर रहे हैं, जितने भी यात्री घर से, जितने भी यात्री इन मंदिरों की सेवा करके ऐसे जा रहे हैं, उन सबको पानी पिला रहे हैं, ठंडा पानी है। शुक्रिया भैया, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। इधर पास ही में मेहरान जनरल स्टोर, तो उधर से हम बैग लेने वाले हैं। मेहरान जनरल स्टोर कौन सा है? यही है, तो हमें ट्रैवल बैग चाहिए यार, छोटा सा। ये नहीं, ये नहीं, ये बड़ा है, छोटा सा था, ये इतना छोटा सा पर्स होता है, छोटा पैसे वगैरह, पैसे पावर बैंक वगैरह रख सकते हैं। सर इतना सही है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये होता बड़ा दूं?
नहीं दूसरे टाइप का है, मगर वो देखे ना जी ऐसे आता है, ये भी ऐसे आ जाएगा, एक मिनट चेक करवा दें। वैसे हाल फिलहाल गुजारे के लिए लेना ले नहीं यार, वो अभी एक लिया है मैंने, मैंने देखा है वैसे। हाँ वो बिल्कुल वही चीज़ है, पावर बैंक वगैरह रख लो, मोबाइल वगैरह रख लो, इसी तरह का है सर। अब हम लोग सिटी रहीम यार खान से, पंजाब से जी जी। उमरकोट पहले कभी आए हो? नहीं नहीं कभी नहीं खास, मैं आया था पहले 6 महीने पहले। पावर बैंक वगैरह अपना का सब नॉर्मल कर नहीं यार, वो थोड़ा स्टाइलिश हमें चाहिए, वो क्योंकि हम टूर करते रहते हैं ना, सोच लिया वो चीज बहुत स्टाइलिश नहीं है, बहुत अच्छी है। आगे वो आगे मिलेगा कहीं पे मालूम करो, ये भी सस्ता है, इतना महंगा नहीं, 350 लगा देंगे आपके लिए, बस मेहमान हो हमारे यार, मेहमान हो बेफिक्र जाओ, हमें चाहिए वो, वो पैसा नहीं है अपने, वो नहीं है अभी नहीं है यार, फिर मजबूरी में वो आगे मेहरान की शॉप, मेहरान वाली यही है, मेहरान जनरल स्टोर यही है, शाह साहब की दुकान है जी, वो हम पीछे पूछ पूछ के आए हैं, यही है दुकान, और बैंक वगैरह चार्ज वगैरह रखेंगे फ्रेंड्स। अभी हाल फिलहाल ले लेते हैं, फिर आगे अगर मिलेगा तो फिर स्टाइलिश भी लेंगे, क्योंकि अभी सामान वगैरह रखने के लिए ना हमें बहुत दिक्कत आ रही है, चार्ज वगैरह वो बैग में पड़े हैं। भाई बोल रहे हैं कि आप हमारे गेस्ट हैं इतनी दूर से ट्रैवल करके, तो वो हमें कंसेशन भी दे सकेंगे जितनी उनकी हो सके। बिल्कुल, तो ये हार वगैरह कितने कितने का यार? हार अलग 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 रेट है। ये कितने का? ये तो 300 का, जब भाई शादी होगी ना फिर लेंगे रणवीर भाई, अभी क्या फायदा। वैसे मैं पूछ रहा था, हमने बैग परचेज कर लिया है यार, पावर बैंक चार्ज वगैरह सब ना वो उधर ही पड़े थे, तो सोचा हमने बस अब इसमें रख देंगे तो इजी रहेगा। 1000 रुपये का बैलेंस में 150 रुपये, 750 रुपये बकाया मिलना चाहिए ना, 750 नहीं 650। हाँ अब ठीक है, शुक्रिया। हाँ अब पूरे है, तो अब चलते हैं, आ जाओ क्या आप भी ले रहे हो। तो फ्रेंड्स ये 350 रुपये में हमने परचेज किया है, बाकी वैसा तो 1000-1500 का मिलता है वो जो जैसा हम मांग रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल अभी ट्रैवल में फिर जो भी मिल जाए उसको उसी से गुजारा करेंगे, क्योंकि जेबों में सामान है तो फिर दिक्कत होती है यार, और चार्ज वगैरह सब कुछ उस बड़े बैग में, बड़े बैग से निकालना बार बार अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हमने ये छोटा सा ले लिया ऐसे करके, ऐसे डाला होगा गले में ये, इसमें होगा सारा सामान, फिर निकाल निकाल के फोन वगैरह, इसमें बहुत कुछ सामान इसमें ज़्यादा आएगा बाकी दूसरे बैग से। तो भिंडी, फ्रेश भिंडी, फ्रेश भिंडी, तीन महीने वारंटी है, किंगस्टोन का है, 100 MB/s इसकी स्पीड होगी, 32 GB मेमोरी कार्ड है। इसकी प्राइस है, प्राइस कितनी है भैया? 1150 रुपये। ये वायरलेस माइक कितने का है भैया? 2300 का। ठीक है भैया, शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अभी हम इंटर होने वाले हैं किले में, तो किले आप लोगों को दिखाते हैं, ये सारे यात्री, तो ये देख सकते हो किला, ये है उमरकोट किला। जल्दी से जाते हैं और आप लोगों को उमरकोट का किला जल्दी से दिखाते हैं। ऊपर चढ़ेंगे ना, ऊपर चढ़ जाए तो भाई, अभी हम जा रहे हैं ऊपर की साइड में, जाना ये पूरा किला घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाले दीवार से आप लोगों को पूरा शहर देखने को मिलेगा, तो अभी हम जाएंगे दीवार पे और आप लोगों को पूरा शहर दिखाएंगे। तो ये देखो ढोल और बीन, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे शादी है। तो यहाँ से देखो पूरा शहर, ये सारी बसेस यात्री बसेस। तो फ्रेंड्स ये सारी बसेस जो है हिंगलाज माता के लिए जाने वाली यात्री बसेस है, और ये सारी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे शादी है। तो अभी चलते वो ढोल और बीन को एंजॉय करते हैं। क्या खाई
तो फ्रेंड्स यहाँ से पूरा शहर दिखेगा आप लोगों को, यह है अमरकोट। तो फ्रेंड्स ये सारी हिंगलाज माता वाली बसेस है, कुछ आ रही है कुछ जा रही है, ये देख सकते हो बाबा वापस जा रही है। और यहाँ पे ये ढोल और बीन ऐसे जैसे बिल्कुल एंजॉय वाला माहौल बन गया है। अभी टाइम हो चुका है 9:25 टाइम हो चुका है। ये गेट है, आगे ना एक मेन बुर्जा है जिसपे बड़ी बड़ी तोप पड़ी हुई है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं चल के। उमरकोट तारीखी किला पर मुखसर, ये कुछ हिस्ट्री है इसकी तो, और ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप लोगों ने इसको जूम करके पढ़ लेना है। और ये सिंधी में, हम भी ऊपर चलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो ये सीढ़ियां जो 63 सीढ़ियां, ये आ गई देख सकते हो तोपे, ये है तांबे की, ये देख सकते हो, ये तांबे की तोप है, ये सिंधी लिखी हुई सिंधी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंधी में लिखा हुआ, सिंधी हमें आती नहीं है। ये तांबे वाली तोप है, ये है लोहे वाली। और ये ऊपर से का व्यू है, पूरा शहर दिखता है, इस साइड पे जंगल है, इस साइड पे शहर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से पूरा किला देख सकते हो, बाकी मैंने किले का एक और वीडियो भी बनाया, वो भी आप लोग देख सकते हो, वो पहले होगा उमरकोट सिटी टूर के नाम से, फुल टूर है, उसमें किला भी है पूरा शहर है, लेकिन इस बार हम फिर आए तो दिखा रहे हैं। थर के एरिया में तो ये मटका है, इसमें पानी ठंडा रहता है और फिल्टर वाला पानी होता है, ये साफ। इसकी टूटी हम पी रहे हैं, देखिए देखो, पियो भाई। पानी कैसा है भैया? हाँ, आनंद आ गया, आनंद बहुत मीठा है, मीठा पानी है, ठंडा भी है, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। तो अभी हम भी पियेंगे, फिर पता चलेगा मीठा कितना मीठा है। सही है पानी यार। थर म्यूजियम उमरकोट, कितने टिकट हो सर? 20 रुपए टिकट है, 20 रुपए तो फ्रेंड मेरे पास 1000 रुपए का नोट है, तो एक हिनो 1000 रुपए खुलिया दियो। तो शंभू भाई ने हमारे टिकट दिया, क्योंकि हमारे पास ना पैसे 1000 रुपए का बड़ा नोट था, तो मैंने सोचा इसको भाई का चैनल है यार, विजिट जरूर करना और भाई को सपोर्ट करो, और भाई बहुत अच्छे शंभू राम व्लॉग्स। जैसे हम इंटर होते हैं इसमें म्यूजियम में, तो सामने हमको दिखते हैं, ये देख सकते हो, ये छोटी सी बच्चों के लिए तोप थी उन दिनों के लिए, ये छोटी तोप है, और ये है गोले बड़े बड़े, ये इधर से ऐसे
ऐसे पकड़ के ना ऐसे घुमा के छोड़ते होंगे। तो ये तोपे है, ये छोटी है, ये बच्चों वाली तोपे है ना। नहीं ये इसको मतलब चलाते लोग ही थे, उठा के इधर। शायद ये कंधे पे उठाने वाली है, कंधे पे नहीं उठने वाली, ये बहुत भारी है। नहीं भाई वजनी है, बहुत वजनी है, ये गोला उनको फेंकना चाहिए जो किसी के साथ, मतलब ये छोटी तोप है और ये बड़े बड़े गोले हैं, इनको छेड़ नहीं सकते भाई, क्योंकि अगर गिर गए ना तो समझ लो काम हो गया। तो इस तरह भी तोप है, और इनको यार ऑयल क्यों लगा के रखा, चमकाने के लिए ना, चमकाने के लिए, इनको जंग ना लगे, जंग ना लगे इसके लिए ऑयल भी रखे हुए हैं। और इस तरफ थार म्यूजियम उमरकोट, 20 रुपए की टिकट है इसके अंदर आने के लिए। जूते तो फ्रेंड्स, ये है उमर और यह है बारबी, सोने जौहरात चांदी। कुछ इस तरह से, और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी आप लोगों के सामने ही है, ये लोहे का काम करने वाले और आगे मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, ये कुम्हार है। ये कुम्हार का काम करने वाले कुम्हार जाति के, कुम्हार फैमिली। और ये है लकड़ी का काम करने वाले बढ़ाई। आगे चलते हैं, ये सुई धागे का काम करने वाले, और वो जोगी 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 सांप पकड़ने वाले। और ये है दूध निकाल दही बना रही है जोगी, ये कढ़ाई का काम कर रहे हैं। ये सारा उमरकोट का किला है, ये गटी बिट मिठी सिटी का, ये उमरकोट किला, ये थर के लोग है सारे ये। तो फ्रेंड्स ये थर के लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं, ये कपड़ों के डिजाइन बनाए हुए हैं लोग जो जिस तरह के माहौल में रहते हैं उस तरह के कपड़ों के नाम है, और वैसे कपड़े भी हैं। ये है बलोची ड्रेस, बलोची लोग जो है ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये बलोची। आगे चलते हैं, तो ये है साड़ी, ये देख सकते हो साड़ी पहने हुए। और आगे चलते हैं, तो आगे ये सुमरा ड्रेस, सुमरा ये सुमरा ड्रेस ये है कुछ इस तरह। और ये थरी ड्रेस, यानी थर के लोगों के कपड़े, थर लोगों के कपड़े, थरी लोग इस तरह से कपड़े पहनते थे। नीचे घाघरा, ऊपर ये कुछ सजाया हुआ कुर्ता और चुन्नी। अब आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हथियार है, हथियार जिनसे हमला किया जाता था या डिफेंस के लिए यूज किए जाते थे वो चीजें। तो ये है तलवार, और ये है भाला, छोटा सा भाला है जो कंधे वगैरह पे बांधा जाता था। ये देख सकते हो, ये है सामने सीने पे पहनने वाला, चेस्ट पे, ये बुलेट प्रूफ, ये भी भाला है, ये तलवार है, और वो हेलमेट, छोटा सा हेलमेट। तो फ्रेंड्स ये मुगल आर्मी थी ना, उसके हथियार। ये कुछ मूर्ति है, ये लक्ष्मी नारायण और ये विष्णु लक्ष्मी नारायण। और इस साइड पे देख सकते हैं, टू टायर्स, ये भी एक मूर्ति है। ये बाबूजी का घोड़ा है, इस साइड पे ये देख सकते हो, ये मार्टर रीडिंग ऑन हाउस।
घोड़ों के सर नहीं है, घोड़ों के सर नहीं है और ऊपर भगवान है उनके भी नहीं है। राम लक्ष्मण ये है कछुआ। ये गन्स है, बंदूकें पुराने दौर की। आरो तीर, शिवर्ड स्टिक, ऐसी स्टिक जिसमें तलवार होती थी, और ये गन्स है पुराने दौर की। मुगल आर्मी के पास ऐसी गन्स हुआ करते थे। ये सारी शॉर्ट गन है, शॉर्ट गन मतलब के गट्टे वाली, ये भी सारी शॉर्ट गन है। ये है पिस्टल, खंजर, ये भी तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, रिलीफ ऑफ कृष्णा एंड सैक्रिफाइड बुफालो मेल एंड लाइन। ए लेडी होल्डिंग बेबी, बच्चे को पकड़े हुए एक औरत। महावीर, महावीर ये भी महावीर। ये घोड़े का सर है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, आगे कुछ और चीज विजिट करते हैं और आप लोगों को भी विजिट कराते हैं। कैमरा भी लगा हुआ है इसमें। शहनशाह अकबर, इम्पीरियर अकबर, और उसके बाद ये कुछ है लिखा हुआ। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये जहांगीर। हाथियों की लड़ाई, ये कुछ लिखा हुआ फरमान है, खत है। राजा टोडरमल, शहनशाह अकबर का वजीर, वजीर खजाना। राजा मान सिंह दरबार अकबर और जहांगीर का एक मुमताज अमीर। तो फ्रेंड्स ये सारा नक्शा है और इसमें उमरकोट। ये जो है ये बीच में नदी है, बिल्कुल ये नदी है, और बाकी कौन सी जगह है ये हमें अच्छे से नहीं पता। फ्रेंड्स ये था उमरकोट का म्यूज़ियम, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं यहाँ से, 10 किलोमीटर ये म्यूज़ियम से हम बाहर आ चुके हैं बिल्कुल, और ये किला और म्यूज़ियम देख के आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स ये किले के सामने कुछ लोग खीरे वगैरह बेच रहे हैं। ये प्लेट कितने की बना के देते हो? 100 रुपये के, 120 रुपये के किलो की प्लेट बनेगी। नहीं आया हम तो चेक कर लेंगे। अपना यार छोटी सी प्लेट 20 रुपये की बनाओ, 20 रुपये की फ्रेंड्स ले रहा हूँ मैं। पन्नी में प्लेट नहीं है,
तो फिर प्लेट नहीं है भाई के पास, ऐसे ही 20 रुपए के कितने आएंगे? मसाला डाल लगेगा ना, खीरा खाएंगे थोड़ा सा, हाजमा हो जाएगा। चिक्कू पानी बोतल, पानी बोतल घने जी है उस्ताद, 30 रुपए जी, सही। तो फ्रेंड्स ये 30 रुपए की छोटी सी बोतल, बाद में पींदा हाने थोड़ा जे खाऊ खाएगी नू। चेक चेक करो भैया, फिरन जा खा। आ शबू भैया, रणवीर भाई कितने का लिया ये? 20 रुपए जे घनियो असा, 20 रुपए का मिला है। फ्रेंड मैं ना सिंधी बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे आ जाती, क्योंकि हम सिंध में आए हुए ना, तो सिंधी में थोड़ा थोड़ा बात होती रहे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। साथ मसालों थोड़ा जो तेज आए, मसालो थोड़ो जो तेज आए, अच्छो बाबा अच्छो लगे तो। ना हजे ना खायो, हाने खीरा खाया ना, बाद में खायो। पालसा तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा खीरा खाया, बाद में वे सब भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो ये हमारी बस है, ये वाली जिसमें हम लोग आए हैं, आतिफ एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स इधर चिकन जो है वो 640 रुपए किलो चिकन, और इधर भी ये चिकन वाली शॉप्स है इधर।